नमस्कार। कल हमने देखा था, अगर किसी अवकल समीकरण का हल दिया हुआ हो तो अवकल समीकरण ज्ञात करना। अब आज हम देखते हैं अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। सबसे पहले प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण हम देखते हैं। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है भाई। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देखिए, होते क्या है, प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण। घात और कोटि आप देख चुके हैं पहले से ही, तो वह अवकल समीकरण जिसके घात भी एक हो और कोटि भी एक ही हो, वो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण होंगे। यानी मानक रूप में आप उसको किस प्रकार से लिखेंगे, कोई भी अवकल समीकरण जो कि m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो या m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो के रूप में हो, कोई भी अवकल समीकरण जो कि या तो m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो या m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो के रूप में हो, इस अवकल समीकरण को हम प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण कहते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे इस प्रकार के अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। यहाँ जो m और n है, ये या तो x और y के फलन होंगे या फिर अचर होंगे। अब हम इन अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना पड़ेंगे। यहाँ हल किस प्रकार से पढ़ेंगे, हम देखिए, सबसे पहले आप पढ़ेंगे ऐसे अवकल समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सके। दूसरा हम पढ़ेंगे ऐसे अवकल समीकरण जो कि समघात हों। तीसरा हम पढ़ेंगे ऐसे अवकल समीकरण जिनका समघात में समानीयन किया जा सके। और चौथा हम ऐसा पढ़ेंगे रैखिक अवकल समीकरण। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऐसे अवकल समीकरण जिनका रैखिक में समानीयन किया जा सके। और ऐसे समीकरण जो होते हैं, इनको हम बर्नौली के अवकल समीकरण भी कहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं यथार्थ अवकल समीकरण। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं अवकल समीकरण जिनको यथार्थ में समानीयन किया जा सके। तो आज हम सबसे पहला पढ़ेंगे ऐसे अवकल समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सकें। इसमें आपको करना क्या है, x के जो भी फल फंक्शन हैं उनको सबको एक तरफ करना होगा और y के जो फलन हैं या y के जो पद हैं उनको एक तरफ करना होगा। और दोनों पक्षों का जैसे ही आप समाकलन करेंगे, आपको अवकल समीकरण का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक इक्वेशन अपने पास में एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करिए। तो देखिए, सबसे पहले अवकल समीकरण को अगर हम देखें तो m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो के रूप में लिखा हुआ है, या m का जो मान है ये बन गया एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स और n आपके पास में हो गया y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब देखिए, सबसे पहले इन दोनों पदों में से x आ जाएगा कॉमन, x को आप कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। और अब देखिएगा, यहाँ अब आपको क्या करना है, x को एक जगह करना है और y को एक जगह करना है। तो समीकरण के दोनों पक्षों में एक्स स्क्वेयर प्लस वन और वाई स्क्वेयर प्लस वन का भाग दे दीजिए। जैसे आप भाग देंगे तो ये आपके पास में बचेगा एक्स डी एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा कैंसिल, प्लस वाई डी वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वन जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिएगा इस एक पद में केवल x है और ये जो दूसरा पद है इसके अंदर केवल y है। अब समाकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dy अपॉन y स्क्वायर प्लस वन, और ज़ीरो का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, या एक बार मैं लिख देता हूँ ज़ीरो डॉट डी एक्स। अब इसका समाकलन करते हैं हम एक बार। इसका जब समाकलन करेंगे आप तो माना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स बन जाएगा वन अपॉन टू डी टी। तो 1 अपॉन टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा और डी टी अपॉन टी लॉग टी, तो टी का वैल्यू भी पुट करके लिख देंगे साथ में, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसी प्रकार से इसका जो समाकलन ही आ जाएगा 1 अपॉन टू लॉग वाई स्क्वायर प्लस वन, जीरो का समाकलन अचर आएगा और अचर हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 अपॉन टू लॉग सी। यहाँ देखिए जीरो डॉट डी एक्स लिखा, इससे हमें इसे डी एक्स से कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जीरो है, डी एक्स डी वाई कुछ भी लिख लो, अचर आना है समाकलन। तो वन अपॉन टू लॉग सी, वन अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, तब आपके पास में बचेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू लॉग सी। इनमें दोनों में अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम एन, तब आपके पास में ये बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू लॉग सी, और दोनों पक्षों से लॉग हटा दीजिए, तब आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू सी। ये आपके पास में आ गया दिए गए अवकल समीकरण का हल। तो यह अभिष्टाल है। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अवकल समीकरण को हल करिए। तो देखिए सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह करिए आप, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ज्ञात करिए। तो पक्षांतरण करेंगे हम, dy बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे, बाकी पदों को एक तरफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ से y आ गया, यहाँ से बना ए वाई स्क्वायर, इसका हम पक्षांतरण कर लेंगे तो माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से a dy बाई डी एक्स, और ये पक्षांतरण करने पर बनेगा प्लस x dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो बचेगा a और प्लस x dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से चरों को पृथक कर दीजिए, x को एक साइड कर दीजिए, y को एक साइड कर दीजिए, तब ये अपने पास में बनेगा डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर, देन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा वन माइनस ए वाई।
अब इसका समाकलन करने के लिए हम आंशिक भिन्नों का यूज कर लेंगे। आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे तो माना 1 upon y into 1 minus a y = हम इसको लिख देते हैं a बटा वाई और प्लस b बटा 1 minus a y। अब दोनों पक्षों का जब एलसीएम लेते हैं तो 1 equal to y into 1 minus a y तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास a 1 minus a y plus b y। अब इस इक्वेशन के अंदर y का वैल्यू पुट करके हम a और b ज्ञात करेंगे, या गुणांकों की तुलना करके भी हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं y का वैल्यू पुट करके a और b का मान ज्ञात करता हूँ। सबसे पहले y का वैल्यू 0 पुट कर दिया हमने, ध्यान रहे y का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए मैंने यहाँ 0 किया है ताकि ये सीधा 0 हो जाएगा और यहाँ से आपको a का मान मिल जाएगा। तो जैसे ही y का मान 0 करेंगे ये 0 बना, यहाँ से आपके पास में a, तो a इक्वल टू 1। तो y को जैसे ही 0 किया तो ये आ गया a इक्वल टू 1। दूसरा, इसके अंदर y का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1 upon a। y का वैल्यू अगर 1 upon a करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ से b upon a इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इक्वल टू a। ठीक है भाई, अब a और b दोनों का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तब ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx upon a plus x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये जो 1 upon y into 1 minus a y था इसको आपने लिखा था a upon y plus b upon 1 minus a y, तो इसको आप ये लिखेंगे अब, और यहाँ a और b का वैल्यू पुट करके लिखेंगे तो a का मान कितना आ गया, सबसे पहले 1, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/y प्लस b का मान आपके पास में स्मॉल a है तो स्मॉल a अपॉन 1 माइनस ए वाई डे वाई। अब इंटीग्रेशन करिए भाई, dx अपॉन a प्लस x, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं log a प्लस x इक्वल टू 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log y, और प्लस a यहाँ से कांस्टेंट है, और 1 upon 1 minus a y इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं log 1 minus a y। अब ध्यान दीजिए y का गुणांक है यहाँ माइनस a, इसलिए हमें इसके अंदर माइनस a का भाग देना पड़ेगा। माइनस a का भाग देंगे तो ये माइनस a से कैंसिल हो जाएगा, और अचर लिख दीजिए, ये मैंने अचर लिख दिया प्लस log c। तो log a प्लस x, इनका पक्षांतरण अगर कर ले तो माइनस log y प्लस log 1 minus a y इक्वल टू log c। ठीक है भाई, log की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए इनके अंदर, तो जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में बन जाएंगे और जो माइनस में है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपके पास में बचेगा a प्लस x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 minus a y, और ये बटा में आ जाएगा y इक्वल टू c। चाहे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a प्लस x 1 minus a y इक्वल टू सी वाई, ये आपके पास में आ गया दी गई अवकल समीकरण का हल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम करते हैं।
नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है dy by dx इक्वल टू e की पावर x माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस y। अवकल समीकरण को हल कीजिए। देखें dy by dx इक्वल टू, सबसे पहले अगर हम देखें इन दोनों पदों में से e की पावर माइनस y आ जाएगा कॉमन, तो e की पावर माइनस y को हमने कॉमन लिया, कॉमन लिया तो आपके पास में बचा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। अब y को एक साइड करिए और x को एक साइड करिए, ऐसा जब कर देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा dy वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन कर लीजिए तो इंटीग्रेशन जो 1 अपॉन ई की पावर माइनस वाई है इसको आप लिख सकते हैं e की पावर y dy वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। e की पावर y का समाकलन आप जानते हैं, e की पावर y हो जाएगा इक्वल टू e की पावर x का समाकलन e की पावर x और प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन x क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। ये आपके पास में आ गया अवकल समीकरण का हल। इस प्रकार से कोई भी अवकल समीकरण जिसमें चर पृथक किए जा सकें उसका हल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस आप करिएगा और जो एग्जांपल्स हैं उनको भी करिए, और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।